ये स्पेशली देवड़िया के लिए बनाया है मैंने। बाद बाकी तो ये हुनर बाद है, देखिए उनकी पतंग बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त पतंग है और आप लोग देख सकते हैं ये बहुत बारीक जोड़ है। और उस्ताद जी के लिए ये पतंग शायद हमारे इंडिया में पहली कोई आर्टिस्टिक पतंग, इंडिया में तो पहले फर्स्ट है। बिल्कुल 27 से 100 नीचे है, 23.2 है, 23.2। और इंडिया में आजकल कल जो पतंगबाजी होती है ज़्यादातर ऐसे ही फॉर्म में यूज़ होता है। और ये जो है डमरू है जो मैंने इन्वेंशन किया था उनके लिए मैंने बनाया था। और ये देखिए ईद मुबारक जो है, पर ज़्यादातर लोग तो सिर्फ जंग के माहौल ही बना के रखते हैं, वो साइंटिस्ट है, पॉलिटिकल मैटर इशू जो है इसके वजह से हम लोग आज। हेलो दोस्तों, बंगाल काइट लवर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग आए हैं सौरभ दा के घर, सौरभ दा जो कि लोकेटेड है बागुयाटी में, और उनके साथ हमें जो मिल गए हैं आज वो है नाजिब रहमान सर, मतलब उस्ताद नाजिब रहमान जी। तो उनसे भी बात करेंगे, सौरभ दा से भी बात करेंगे और उनका स्टॉक भी आपको दिखाएंगे। सौरभ दा जो है वो पतंग बनाने के साथ साथ मंजा का भी काम करते हैं, असद्दी का भी काम करते हैं। वो हम लोग कोई कभी और दिखाएंगे, वो भी वीडियो आएगा लेकिन थोड़ी दिन बाद आएगा। आज हम लोग जो देखेंगे वो उस्ताद नजीब रहमान दा का एक पतंग बनाया कैसे बनाते हैं वो भी देखेंगे, और सौरभ दा कैसे पतंग बनाते हैं वो भी देखेंगे। तो चलिए पहले पतंग देखते हैं, उनके बाद उनसे बात करेंगे।
ये जो पतंग है ये हम लोगों के लिए बना है और अभी सौरभ दास में साइन कर रहा है। मैं भी कुछ लाया हूँ इन दोनों के लिए। इन लोगों का जो काम है उसके हिसाब से तो वो जस्टिफाइड नहीं है, फिर भी हम लोग दिल से बनाते हैं। मैं रिया को बोलूँगा कि वो गिफ्ट देने के लिए। और उस्ताद नजीब रहमान दा जो पतंग अभी बना रहा है ये नॉर्मल पतंग है, लेकिन इनका जो आर्टिस्टिक पतंग है मैं आपको उसका थोड़ा ग्लिम्स भी दे दूँगा। वो आउटस्टैंडिंग है और मुझे तो लगता है इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट नजीब दा का जो आर्टिस्टिक काइट्स है, जिनको देखकर हम लोगों ने ये पतंग बनाना स्टार्ट किया। जो थोड़ा बहुत डिज़ाइनर पतंग इनका फेसबुक में हम लोग देखते हैं, फिर वीडियो वगैरह भी देखे हैं, तो उसी से हम लोगों का स्टार्ट हुआ था। तो अभी उनके साथ हम लोग बैठे हैं। तो नजीब दा, थैंक यू आपको हमारे साथ बात करने के लिए। अगर कभी भी टाइम होगा तो हम लोग फिर से नजीब दा के साथ एक वीडियो बनाएंगे जिसमें उनका हाथ का काम भी हम लोग दिखाएंगे, अगर उनका टाइम हुआ तो। हाँ, उसका अलग वीडियो होगा। और सौरभ दा, थैंक यू, आप अगर कुछ बोलना चाहते हो। आज देखिए, ये हमने जो पतंग बनाया है ये स्पेशली देवड़िया के लिए बनाया है मैंने, क्योंकि ये दोनों अभी इनके पास कोई गुरु नहीं था, फिर भी इन लोगों ने अपने मेहनत से अपने कोशिश से इतने अच्छे पतंग बना रहा है, जो हमारे बंगाल तो क्या पूरे इंडिया के हर काइट लवर के लिए ये बहुत अच्छा पैगाम है कि अगर कोई इंसान कोशिश करे दिल से तो वो हर कोई चीज़ कर सकते हैं। और बगैर गुरु के उन लोगों ने जितने हिसाब का जिस हिसाब का पतंग बनाया है वो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छे पतंग है। और अभी मैं नजीब भाई को माइक दे रहा हूँ कि नजीब भाई अगर कुछ कहना चाहे तो बस नजीब भाई कहे। नजीब कह लीजिए। आज देव और रिया हम लोगों से मिलने आए हैं, तो कुछ गिफ्ट हमारे लिए भी लाए हैं और कुछ गिफ्ट हम और बोल्टू ने भी मिलकर बनाया है इन दोनों के लिए। अच्छा है, पतंग के लिए इन लोगों का जज्बा आगे बढ़े और नाम कमाए। भाई उड़ाना भी सीखें, बनाना भी सीखें, बाद बाकी तो ये हुनर बाद है। देखिए उनकी पतंग। तो अभी जो पतंग हम लोग इन दोनों के लिए लाए हैं, पहले भी मैं हम लोगों ने बोला कि ये पतंग में उतना हुनर नहीं है, लेकिन ये दिल से बनाया हुआ पतंग है। एक है सौरभ दा के लिए, क्योंकि सौरभ दा मांझा भी बनाता है, इसीलिए थैंक यू। बहुत जबरदस्त पतंग है और आप लोग देख सकते हैं ये बहुत बारीक जोड़ है, जो एक आर्टिस्टिक पतंग में जो चीज़ को देखा जाता है उसकी बारीकी, और ये जोड़ जो है बिल्कुल बारीक जोड़ है। बहुत ही अच्छा पतंग है और मुझे बहुत पसंद आया ये पतंग जी। ये देखें, बिल्कुल साफ सुथरा पतंग है। और उस्ताद जी के लिए ये पतंग, थैंक यू, बहुत शानदार अल्फाबेट मिलाया है, डिजाइन भी बहुत जबरदस्त। ये रिया ने किया है, ये जो जोर होता है ज्यादातर जो तब जो रिया ही करती है, जो बढ़िया और पतंग जो बनाते हैं वो देव बनाता है। बहुत बढ़िया जोड़ है जी, शायद हमारे इंडिया में पहली कोई मतलब औरत है या लड़की है जो भी है, पहली पतंग है जो जोड़ के बना रहा है, इससे पहले किसी ने नहीं बनाया है। लखनऊ में है, बरेली में भी एक दो औरत है जो पतंग बनाते हैं, पर आर्टिस्टिक पतंग इंडिया में तो पहले फर्स्ट है। बहुत जबरदस्त किया है, बहुत अच्छा किया है। और हम लोग बस दो या तीन दिन हुआ है, हम लोग कुटाई भी कर रहे हैं तो उतना प्रोमिनेंट भी नहीं आ रहा है। लेकिन थोड़ा और ये भी इसने किया है जी। कोई बात नहीं है, इसकी भी जो है वो भी ये सीख जाएंगे, क्योंकि इनके मैंने पहले भी बताया कि बगैर गुरु के ज्ञान नहीं होता है। बगैर गुरु के भी इन लोगों ने जो चीज़ किया है ये वाकई में काबिल तारीफ़ है। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। रिया ने जो भी गुटाई किया देखिए, साफ़ सुथरा है गुटाई। हाँ, वो चमक धमक जो है वो टिप्स इनको पता नहीं था, मैं उनको दे दूँगा, मैं और नजीब भाई है उनको बता दूँगा, तो उसके बाद जो ये लोग गुटाई करेंगे तो वो और भी बेहतर हो जाएगा। ये पतंग जो देखा है ये मैंने ऑल इंडिया के लिए बनाया है, लॉन्ग रेंज की पेज जो होती है उसके लिए। और ये मैंने पहली पतंग जो बनाया है ये वासुदेव है ब्रदर्स काइट क्लब के, उनके लिए मैंने बनाया है। ये देख सकते हैं आप लोग, ऑल इंडिया के लिए जो ये साइज होता है ये क्या है, कितना साइज होता है? ऑल इंडिया का जो साइज होता है यहाँ से यहाँ तक 22 साइड होता है, 26.5 से 27 इंची तक, ठीक है। और ये ठड्डा जो होता है 30 से 23.5 इंच तक का होना चाहिए, ना 30 के नीचे होना चाहिए ना 23.5 के ज़्यादा होना चाहिए। और यहाँ पे भी बिल्कुल 26.5 के नीचे नहीं आना चाहिए और 27 के बाहर नहीं जाना चाहिए। उस ये जो मेजरमेंट है इसके अंदर में आप 34.5 की कमान सेट कीजिए, 30 इंच का कमान सेट कीजिए, वो कोई मैटर नहीं करता है। पर ये चीज़ ये मेजरमेंट यहाँ से होता है, जैसे है मैं आप लोगों को दिखा दूँ। ये देखिए इसकी जो मेजरमेंट है यहाँ से बिल्कुल 27 से 1 फुट नीचे है। हाँ, 27 से थोड़ा कम है, 26.8 है।
26.8 है, और यहाँ का जो होगा 23.2, मतलब ये होती है मेजरमेंट। तो देख लीजिए ये जो बारीकियाँ है, ये आपको अगर आप फ्यूचर में सोच रहे हो कि आप ऑल इंडिया लड़वाओगे या फिर आपका टीम ऑल इंडिया लड़वाएगा, तो ये जो साइज़ होता है ये ऑल इंडिया अप्रूव्ड साइज़ है, तो ये सब आपको थोड़ा थोड़ा दिमाग में रखना चाहिए। और ये एक नया फॉर्मा है, नया नया मतलब एक दो साल हो चुका है, ये पतंग जो है ये थोड़ा ओवल टाइप की शेप है और स्क्वायर में, ये कॉम्बिनेशन है ओवल और स्क्वायर कॉम्बिनेशन में ये फॉर्मा बनाया है मैंने। ये भी बिल्कुल लॉन्ग रेंज की पतंग है और ये मिनिमम 1000 गज के ऊपर से ये पेज दे सकता है, ये छोटे पेज की पतंग नहीं है। और ये भी बिल्कुल ऑल इंडिया साइज़ की है, बिल्कुल 26.8 है साइज़, और ये ठड्डा जो है बिल्कुल 23.2 है, 23.2 जो बिल्कुल ऑल इंडिया साइज़ की है। ये भी है ऑल इंडिया साइज़ की, जो 400-500 रेंज में जो पेज होता है, या 600 से 800 रेंज तक, या 1000 मीटर का रेंज तक भी ये पतंग चलेगा, पर ये लॉन्ग रेंज में भी खींच खाँच के पेज दे सकता है, पर ये फंसने के लिए बिल्कुल काबिल पतंग नहीं है, पर खींच खाँच के लिए बहुत ज़बरदस्त पतंग है। ये भी ऑल इंडिया साइज़ की पौना है, इसकी भी मेज़रमेंट वैसे ही है जैसे मैंने कहा है आप लोगों को, 26.5 से 27 के बीच, और ये भी बिल्कुल वैसे ही आएगा, ये देख सकते हैं आप बिल्कुल वैसे ही है, ये देखिए ये भी 26.9 इंचेस का है, और इसका भी ठड्डा जो है वो 23.5 का होगा शायद, जी नहीं ये 23.3 है। और ये जो फर्मा है ये सबसे ज़्यादा, भैया अभी बोल रहे थे सबसे ज़्यादा ये यूज़ होता है ऑल इंडिया में, आजकल कल जो पतंगबाजी होती है ज़्यादातर ऐसे ही फर्मा यूज़ होता है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं कार्ड प्लेयर लोग, मीडियम से लेकर लो रेंज तक ये चल जाता है। जी जी ये लॉन्ग रेंज की पतंग नहीं है, ये मीडियम टू शॉर्ट टू मीडियम रेंज है, मतलब 400-500 गज से आप इसको 1000 तक लड़ा सकते हो, पर 1000 में भी ये खींच खाँचने के लिए काबिल है। जैसे ये पतंग है ये खींचने के लिए नहीं है, ये फंसाने के लिए, या दूर के चक्कर में चुटकियों के पेच, क्लासिकल पेच के लिए ये पतंग है, पर ये पतंग जो है स्पेशल खींच खाँच के लिए और पेच के लिए है। और ये पतंग जो है हमारे एक भाई ने रिक्वेस्ट किया था, तो उनके रिक्वेस्ट पे मैंने सुजीत बोस जी के लिए मैंने बनाया था, ये टोटल पेपर काटिंग एंड पेस्टिंग है। तो जो लोग सोचते हैं कि दादा ज़्यादातर मैच के पतंग बनाते हैं, वो नहीं है दादा, जोर के पतंग भी बहुत अच्छे बनाते हैं, जो अभी हमको पता चला इधर आने के बाद। मैं बहुत कम बनाता हूँ, मैं जोर ज़्यादा नहीं, और जोर की जो मेन कारीगर है वो नाजिब रहमान जी है, वो हमारी टीम के है, और देव भी अभी बना रहा है, बहुत अच्छे पतंग बना रहा है मैंने देखा है। और ये जो है डमरू है जो मैंने इन्वेंशन किया था, आप लोग देखोगे बहुत लोग अभी बनाते हैं, पर ये पहले मैंने ही निकाला था, ये अद्धी का डमरू जो है वो मैंने पहले निकाला था। ये जो पतंग है ये भी मेरे फॉर्मा का है, पर ये मेरे एक शागिर्द है दीप नाम के, दीप दे, उन्होंने मेरे ही नाम के मेरे ही फॉर्मा में पतंग बना के दिया है, ये देख सकते हैं आप लोग। ये सब नॉर्मली है, ऐसे कोई खास डिज़ाइन नहीं है, इसमें थोड़ा सा पीस पेपर मिला हुआ था तो उसको काट काट के किसी तरीके से किया था, पर इसके जोड़ जो है बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, मैं खुद भी कह रहा हूँ। ये जो पतंग है आप देख रहे हैं ये ईद मुबारक है, ये मेरे बड़े भाई है बरेली के, मुन्ना भाई, यानी कि जिनको मैं भी उस्ताद मानता हूँ अपना, नौशाद अहमद है उनका नाम, उनके लिए मैंने बनाया था। और ये देखिए ईद मुबारक जो है ये अरबी भाषा में इसको लिखा गया है, और ये टोटल पेपर काटिंग एंड पेस्टिंग है, और ये नौरंगी है, ये ग्रीन है, और ये व्हाइट है, जो हमारे इंडियन फ्लैग के भी कलर हैं, तो इसीलिए मैंने ये सोच के मैंने इसको ट्री कलर में किया था। और जो इंग्लिश में मैंने लिखा था ईद मुबारक, ये बिल्कुल व्हाइट पेपर में लिखा हुआ है, और चांद सितारा जो है वो तो बिल्कुल व्हाइट में ही होता है, तो मैंने इसी कॉन्सेप्ट से मैंने ये पतंग बनाया था। और ये जो पतंग है गुड मॉर्निंग, ये टोटली सीनरी पतंग है, और इंडिया में सबसे पहले सीनरी पतंग मैंने बनाया था, जो बरेली में मुन्ना भाई के घर में बैठे मैंने लॉकडाउन में बनाया था 2020 में। उसके बाद फिर मैंने एक बनाया था वो भी बरेली में है सोनू भाई के पास, और ये थर्ड है,
और इसमें गुड मॉर्निंग जो है वो टोटल पेपर काटिंग एंड पेस्टिंग है, यहाँ पे कहीं पे भी एक भी पेंसिल का टच नहीं है। ये भी जो देख रहे हैं ये भी ऑल इंडिया के फॉर्मा है, पर ये कलर के वजह से ये पतंग नहीं चलेगा क्योंकि ये ब्लैक है, ये जो लाइट ग्रीन है ये अलाउ नहीं होता है, पर ये भी ऑल इंडिया साइज के ही फॉर्मा है और ये शॉर्ट टू लॉन्ग रेंज तक लड़ जाता है। ये जो फॉर्मा है इसको भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल 26.88 है, 26.8 है बाई साइड, और यहाँ पे जो है 23.5 है। ये जो काइट्स है रखे हुए तो मेरे एक दोस्त है पाकिस्तान के फारूक भट्ट नाम के, उनके लिए मैंने बनाया था, जो इंडिया और पाकिस्तान में जो भाईचारा है उन लोगों के लिए है, पर ज़्यादातर लोग तो सिर्फ जंग के माहौल ही बना के रखते हैं, पर हर मुल्क में ऐसे कुछ लोग होते हैं जो जंग से हट के बिल्कुल भाईचारा और दोस्ती को पैगाम पहुंचाना चाहते हैं, तो इसीलिए ये पतंग को बनाया गया था। यहाँ पे हमारे देश के तिरंगा है और यहाँ पे जो है पाकिस्तान का फ्लैग भी बना हुआ है इसमें। और क्योंकि खेल कूद हम लोग इसीलिए करते हैं कि भाईचारा और भी निकले, पतंगबाजी एक खेल कूद का ही है। पतंग जो है वो तो मतलब दुश्मनी को मिटाता है, दोस्ती को बढ़ाता है, पतंग तो यही खेल है। जिंदगी की असली मकसद है इंसानियत, इंसानियत होना चाहिए बस। ये जो पतंग है ये कानपुर के प्रोफेसर हसन तनवीर है, वो मेरे बड़े भाई हैं, उनके लिए बनाया था, वो साइंटिस्ट है, उनके लिए बनाया है। अब जब मैं वहाँ पे जाऊँगा तो ये पतंग उनको हैंड ओवर करूँगा मैं। ये पतंग जो देख रहे हैं आप ये भी पाकिस्तान के कराची में रहने वाले मेरे दोस्त अरुण पाठ के लिए है। ये भी पतंग पूरा जोड़ है, काटिंग पेपर काटिंग एंड पिस्टिंग के है। ये जो पतंग देख रहे हैं आप ये पतंग पाकिस्तान में जाने वाले हैं जोहे बांसड़े नाम के मेरे एक दोस्त हैं, उनके लिए मैंने बनाया है, पर पॉलिटिकल मैटर इशू जो है इसके वजह से हम लोग आज एक दूसरे को सामान नहीं भेज पाते, तोहफा नहीं भेज पाते हैं। अगर कभी ये माहौल ठीक हुआ तो उम्मीद करते कि हमारे दोस्तों के पास हमारा हाथ का बना हुआ पतंग बिल्कुल पहुँचेगा, पर हम लोगों को चाहिए कि दुश्मनी भुला के हमेशा दोस्ती और भाईचारे के साथ ज़िंदगी बिताए। ये पतंग है मेरे एक दोस्त तनवीर के, और उनके जब शादी हुआ था तो उनके मैंने तोहफा में ये पतंग बना के दिया था, पर उनसे मुलाकात नहीं हो पाई इसीलिए मैंने उनको पहुंचा नहीं पाया। ये जो तनवीर है देखिए, मैंने इसको बंगाली इंग्लिश और हिंदी में ये पूरा नाम लिखा है तनवीर, और उनकी बीवी का नाम है रुबीना, उस हिसाब से मैंने बनाया था। ये भी टोटल पेपर कटिंग एंड पेस्टिंग है। ये अर्थिया है हमारे हाथ की, जो हमारे खुद के टीम के लिए है, जब टूर्नामेंट लड़ाते हैं हम उसके लिए ये पतंग हम बना के रखे हैं, जब टूर्नामेंट होगा तो ये पतंग हम छोड़ेंगे। ये लॉन्ग रेंज की पतंग है, ये थोड़ा दूर की जब पेश होता है तब ये पतंग हम छोड़ते हैं। ये भी पतंग जो है ये भी टूर्नामेंट के लिए है, हमारे अपने टीम के लिए है, ये हम सेल नहीं करते ये पतंगें, ये अधे में है, ये भी अति में है, ये हमारे टीम के लिए है, ये गाठ कमान की है, गिरदार कमान जो है मूलीवास की उसके बना हुआ है ये पतंग। ये भी हमारे टीम के लिए है, टूर्नामेंट लड़ाने की पतंग है, ये भी हमारे टीम के लिए मैंने बना के रखा है, ये अति में है। ये भी बहुत बढ़िया पतंग होता है, ये मीडियम टू लॉन्ग रेंज के लिए बहुत ज़बरदस्त पतंग है। ये जो पतंग देख रहे हैं आप ये भी हमारे अपने टीम के ही है, ये पर लॉन्ग रेंज की पतंग है, ये मीडियम नहीं, ये लॉन्ग रेंज की ही पतंग है। ये जो पतंग देख रहे हैं आप लोग ये भी हमारे टीम के लिए है, ये जो है खातिमा और अजंता पेपर से बना हुआ है। ये जो देख रहे हैं आप ये शॉर्ट टू लॉन्ग रेंज की पतंग है, अधिक है टूर्नामेंट लड़ाने के लिए है, ये भी हमारे टीम के लिए बना के रखा है मैंने। ये भी है, ये शॉर्ट टू लॉन्ग रेंज की पतंग है, अर्धे में रिंग में इसकी बहुत रिंग से जब खड़ा होकर लड़ाना होता है तो खींच काचने के लिए, झटकाने के लिए या थपकी लगा के खींच काटने के लिए बहुत कामयाब पतंग है।
ये भी है हमारे टीम के लिए पतंग है, ये खींचने के लिए बहुत जबरदस्त पतंग है और क्लासिकल पेच के लिए बहुत जबरदस्त पतंग है। ये उम्र एक बहुत पुराना पतंग है, कम से कम 8 साल हो चुका है इस पतंग का। ये जब ये फॉर्मा जब मैंने नहर निकाला था तो उसका पहली पतंग है, और उस टाइम मेरे पास अच्छा कमांड अड्डा नहीं था, फिर भी मैंने इसको सीट कर के देख लिया था कि फॉर्मा कैसा होता है, कि इसका फिनिशिंग कैसे, इसके लिए मैंने बना के रखा था ये पतंग। ये जो पतंग देख रहे हैं आप लोग, ये मेरे ही फॉर्मा में नजीब भाई ने मेरे घर में बैठ के मुझे बना के दिया था, और ये मेरे पास उनकी निशानी के तौर से रह गया है, और ये मैं रख दूंगा, इसको कभी नहीं लड़ाएंगे हम। ये हाथी गगन का शिबुदा का पतंग, शिबुदा ने ये पतंग बना के मुझे दिया था, गिफ्ट किया था। ये भी मैं निशान के तौर से अपने पास रख दिया है, मैंने इसको लड़ाऊंगा नहीं, कभी भी मैं नहीं लड़ाऊंगा इस पतंग को। ये हायदर, ये मिर्टिया बुर्ज के हायदर नाम के कारीगर है, बहुत अच्छे पतंग हैं इनके। शामशेर भाई ने हमको ये पतंग गिफ्ट में दिया था, तो ये एक निशानी मेरे पास रह गया। जब मैं ऑल इंडिया लड़ाने गया था तो उन्होंने मुझे ये 10 पतंग गिफ्ट में दिया था, तो उनमें से एक पतंग मेरे पास रह गया है, और ये भी मैं रख दूंगा शमशेर भाई की यादगार में। ये भी पतंग जो है नजीब भाई के हाथ की है बना हुआ, ये पौना है। ये पतंग जो आप लोग देख रहे हैं, ये बरेली के मुन्ना भाई की पतंग है, जो भाई ने मुझे गिफ्ट में दिया था जब ऑल इंडिया हम लड़ाने गए थे। ये पतंग ऑल इंडिया लड़ाए थे हम लोगों ने, ये बहुत ज़बरदस्त पतंग है खींच काच के लड़ाने के लिए, बहुत बेहतरीन पतंग है। और हाँ, ये जो पतंग आप देख रहे हैं ये मुन्ना भाई के हाथ की मीडियम क्वालिटी की है, ये उनके हाथ की फुल फैंसी पतंग जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर पतंग होता है, बहुत बेहतर पतंग होता है। ये उनकी मीडियम क्वालिटी की पतंग है। ये जो पौन आप लोग देख रहे हैं, ये हमारा बहुत खास दोस्त है जोधपुर के शकील भाई, जो पतंग बनाते हैं, उन्होंने हमें गिफ्ट किया था ये पतंग, 12 पीस काइट्स उन्होंने बना के मुझे गिफ्ट किया था। ये है बहुत बेहतरीन पतंग है, ये देखिए आप लोग, खींच काच के लड़ाने के लिए बहुत बेहतरीन पतंग है। ये जो पतंग आप लोग देख रहे हैं, ये हमारा एक छोटा भाई भी है, हमारा शागिर्द भी है, दीपू काश्यप लखनऊ के, उन्होंने मुझे ये पतंग दिया था, बहुत ज़बरदस्त पतंग है, बहुत ही टाइट फिट पतंग है, आप लोग देख सकते हैं। ये जो है लखनऊ के दीपू काश्यप के हाथ की लंबा शेप की पतंग है, जो खींच के लड़ाने की पतंग होती है, ये बहुत ज़बरदस्त पतंग है दीपू के। ये पतंग हमने लड़ाया भी है लखनऊ के मैदान से दीपू के हाथ की, और इससे हमने पेज भी काटा था, बहुत बढ़िया पतंग है, बहुत ज़बरदस्त पतंग है। ये भी देखिए दीपू जब नए नए पतंग बनवा रहे थे तो उस दौरान की पतंग है, अभी तो पतंग उनकी और भी बेहतर हो चुका है, ये देखिए आप। ये भी दीपू के हाथ की और दूसरे फॉर्मा का पतंग है, और ये अकबर की एकदम पहली, जब वो अकबर पतंग बनाना शुरू कर रहे थे, हमारा अकबर नदीम भाई कोलकाता के, तो उस वक्त उन्होंने हमें कुछ पतंग दिए थे तोहफा में, तो उनमें से एक पतंग रह गया है, और ये हमारे पास ज़िंदगी भर तक रहेगा, ये पतंग को मैं लड़ाऊंगा नहीं। यहाँ पे ये पतंग थोड़ा फटा है तो मैं उसको ठीक कर दूंगा।